सर बैकग्राउंड इमेज। बढ़िया, यस, बैकग्राउंड इमेज में हमने कवर कर लिया था। और आप लोगों को नोट्स भी दिए हुए हैं तो आप इसे भी अच्छे से कवर कर लेना, रीड करना। लास्ट सेशन में हमने कुछ जो बैकग्राउंड की प्रॉपर्टीज थी उसे हमने आज के लिए छोड़ा था, जैसे कि बैकग्राउंड इमेज और दूसरा है बैकग्राउंड रिपीट, बैकग्राउंड अटैचमेंट एंड बैकग्राउंड पोजिशन। ये सारी इमेज के ऊपर ऑलमोस्ट अप्लाई होने वाली प्रॉपर्टीज है जो आज हम लोग देखेंगे। और मैं यहाँ पे एज यूजुअल एक नया पेज बनाऊंगा एचटीएमएल का। और एक सीएसएस का बना दो। और इसे लिंक कैसे करेंगे हम लोग? सबसे पहले जनरेट कर लेते हैं इसे। और लेट्स सी कैसे लिंक करेंगे। लिंक background.css दैट्स इट। इस तरह से हम लोग लिंक कर लेंगे, कोई इशू नहीं आए। और एक फ्रेश इमेज डाउनलोड कर लेंगे जो आप लोगों को अच्छी लगे, या तो ऑलरेडी इमेज रहेगी मेरे पास पिक्चर में, वो एक इमेज को हम लोग कॉपी कर लेते हैं जैसे कि टेबल, और यहाँ पे हम लोग डाल देते हैं। तो ये मैं बैकग्राउंड में एज इमेज ले लेता हूँ। और बैकग्राउंड में इमेज लेने के लिए क्या करना होता है कोई बता सकता है? मैं बॉडी जो है वो बैकग्राउंड में ले लेता हूँ, बॉडी को डायरेक्टली बैकग्राउंड इमेज अप्लाई कर देता हूँ। तो कौन सी टैग इस्तेमाल करनी होती है बैकग्राउंड इमेज लेने के लिए? बैकग्राउंड इमेज। और उसके लिए आपको करना होगा यूआरएल, और यूआरएल में आपको ये ध्यान देना है कि आपको इमेजेस और जो इमेज है वो वाली। दैट्स इट। इस तरह से आप ये जो है वो दे सकते हैं। ओपन विथ लाइव सर्वर। अरे ये इमेज क्या हो गई आप बताइए, मेरे पास तो एक ही इमेज थी आई बिलीव। ये इमेज ऐसे हो चुकी है, इतनी ही इमेज है। That's it. But हर बार रिपीट हो रहा है, कॉपी हो रहा है, हर बार ये रिपीट हो रहा है। रीजन ये है कि ये रिपीट क्यों होता है कि अगर आपकी इमेज अगर छोटी है साइज से और आपका जो बैकग्राउंड का एरिया है तो ऑटोमेटिकली उसे पूरा भर देता है, और भरने के लिए वो जो है वो रिपीट कर देता है वो इमेज। तो इसी के लिए रिपीट प्रॉपर्टी जो है हम लोगों को रिपीटेशन कंट्रोल करने के लिए यहाँ पे नेक्स्ट वाली प्रॉपर्टी है जो कि है बैकग्राउंड रिपीट वाली प्रॉपर्टी। यहाँ पे ऑप्शंस है कि अगर आप आपने कहा है कि नो रिपीट करना है आपको, मतलब कि रिपीट ही नहीं करना है आपको, नो रिपीट, तो आप यहाँ पे नो रिपीट कर सकते हो। देखो आपको बैकग्राउंड में सिर्फ एट अ टाइम वन ही इमेज दिखाई दे रही। अगर आपने यहाँ पे कहा कि नहीं कोई पर्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में ही रिपीट चाहिए, जैसे कि एक्स डायरेक्शन, तो आप एक्स डायरेक्शन में ही उसे लोगे जो कि ऐसे हॉरिजॉन्टल, एक्स डायरेक्शन यानी हॉरिजॉन्टल ही होता है तो वही तक रिपीट होगी। अगर आपने कहा वाई तो वर्टिकल में वो जो है रिपीट होगी। देखो आप मिक्स भी कर सकते हैं, मतलब थोड़ा परसेंटेज इसके लिए वाई के लिए, थोड़ा परसेंटेज एक्स के लिए, ऐसे भी पॉसिबल है जो आप कर सकते हो। आपको जैसे रिक्वायरमेंट हो वैसे आप इस प्रॉपर्टी का इस्तेमाल कर सकते हो। देन उसके बाद प्रॉपर्टी जो है बैकग्राउंड के रिलेटेड ही नेक्स्ट प्रॉपर्टी है, जैसे कि अटैचमेंट है, पोजीशन है, ये वाली जो आपकी दी हुई है बैकग्राउंड अटैचमेंट।
अभी बैकग्राउंड अटैचमेंट जो है ये भी एक बढ़िया ऑप्शन है। इसके लिए जब हम लोग कोई मल्टीपल बैकग्राउंड, एक के पीछे एक बैकग्राउंड लेते हैं और आपको लगता है कि पर्टिकुलर बैकग्राउंड स्टिक रहना चाहिए, स्टॉप रहना चाहिए, यानी फिक्स्ड रहना चाहिए, तो वो भी हम लोग कर सकते हैं, उसके अटैचमेंट जो है हम लोग कर सकते हैं। उसके पहले मैं आप लोगों को बैकग्राउंड पोजीशन बता देता हूँ कि कहाँ पे चाहिए। जैसे कि पर्टिकुलर सेंटर में चाहिए तो आप सेंटर में दे सकते हैं बैकग्राउंड की पोजीशन। तो आप देखिए कि बैकग्राउंड की पोजीशन कहाँ पे आ गई है। सेंटर तो आपको जैसे ही चाहिए उस तरह से आप लोग बैकग्राउंड की पोजीशन सेट कर सकते हो। और उसके बाद बैकग्राउंड अटैचमेंट जो है बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, इसमें ऑप्शन है फिक्स्ड। अगर इसे मैं फिक्स्ड कर दूं तो मैं कितना भी दूर क्यों ना चला जाऊं ये बैकग्राउंड जो है दिखाई ही देगा। अभी इसको देखने के लिए हमें एक छोटा सा काम करना होगा। सबसे पहले तो मैं नो रिपीट कर दूंगा इसे, ताकि आपको ये हो जाएगा, लेकिन आपको समझने के लिए इसे थोड़ा सा, ये सेंटर में भी आ गया लेकिन ये स्क्रोलिंग जो है ज्यादा बड़ी नहीं है। इसके लिए आपको ये फिक्स और स्क्रोल, ये दोनों में अंतर समझ में नहीं आएगा, डिफरेंस नहीं पता चलेगा। इसके लिए मैं ये समझाने के लिए आप लोगों को एक डिव ले लेता हूँ यहाँ पे, जिसकी हाइट बहुत ज्यादा होगी, जो कि 2000 पिक्सल तक का रहेगा। ये देखिए, ये समझाने के लिए मैं एक ले लेता हूँ माई ट्यूब नाम का, डॉट माई ट्यूब। हाइट ले लेते इसकी 2000 पिक्सल और विड्थ जो है ये लेते 750 पिक्सल और बैकग्राउंड कलर ले लेते हैं। लेट्स सी, बैकग्राउंड कलर सिर्फ दिखाने के लिए है आपको, मैं बैकग्राउंड कलर ले रहा हूँ करके रेड, और ये कैसे दिखेगा आप लोग इसे देख लेना है एक बार। यहाँ पे मैं क्लास है तो मुझे यहाँ पे क्लास का नाम जो है आपको देना होगा वाइल्ड, और इसे रन करके देख लेते हैं तो ये कितना बड़ा दिखेगा ये देख लेना। क्या आपको ये दिखाई दे रहा है? ये राइट साइड में देखो थोड़ा स्क्रॉल हो रहा है, ये देखो ये स्क्रॉल हो रहा है ना स्क्रॉल, सर स्क्रॉल होते ही जा रहा है। ठीक है, अभी ये ड्यू में अगर मैं बैकग्राउंड इमेज ले लेता हूँ, ड्यू में मुझे बैकग्राउंड इमेज लेनी है, तो करना क्या है, जस्ट आपको बैकग्राउंड इमेज जो है बॉडी में नहीं चाहिए, आप वो एज अ कलर चाहिए आप ले लीजिए, और ये जो बाकी की जो प्रॉपर्टी है ये हम लोग यहाँ पे ले लेंगे। नो रिपीट सेंटर में है, सेव। अभी आप देखो मैंने इसका बैकग्राउंड प्रॉपर्टी बाय डिफॉल्ट स्क्रॉल होता है, मैं अभी स्क्रॉलिंग कर रहा हूँ तो ये इमेज क्या दिखाई दे रही है आप लोगों को? ऊपर नीचे होते हुए दिखाई दे रही लोडर है ना? आप लोग यस सर, गायब हो गई इमेज, क्यों ऊपर क्यों चली गई इमेज? क्योंकि उतना वो बड़ा सर स्क्रॉल हो गया ना। एरिया है विड्थ सर, हमने हाँ, विड्थ लिए ना ज्यादा। लेकिन अभी मेरी रिक्वायरमेंट क्या है कि मैं कितना भी नीचे स्क्रॉल करते जाऊं लेकिन इमेज की जो जगह है, पोजीशन है, वो फिक्स्ड रहे, चाहे मैं कितना भी स्क्रॉल क्यों ना करूं इसे। तो मुझे ये जो प्रॉपर्टी है बैकग्राउंड अटैचमेंट फिक्स्ड, ये देखो ये डालने से क्या होगा ना, देखो आपके सामने अभी क्या होगा, देखो आप बताओ। बैकग्राउंड फिक्स्ड, इसे कर देता हूँ फिक्स्ड। अब देखो मैं स्क्रॉल कितना भी करूं, आपको क्या लग रहा है इमेज इधर रही है इधर उधर जा रही है? नहीं, बिकॉज मैंने उसकी जो अटैचमेंट और टाइम पे वो क्या कर दिया, फिक्स। इसका इस्तेमाल बहुत जगह पे हम लोग कर लेते हैं, जब सिंगल पेज वेब रहेगा, वेबसाइट रहेगा, किसी की डिजाइन रहेगी ना, तो जैसे स्क्रॉल करते लेकिन पिछला वाला जो हिस्सा रहता है वो कंटिन्यूसली दिखता है। आई बिलीव कि एक जगह पे सैंपल मिलेगा आपको, साई प्रसाद डॉट इन।
डोमेन एक्सपायर्ड हुआ है शायद इनका, चेक करते हैं। डोमेन नहीं है वो, एक्सपायर्ड हो गया वो। साइप्रस उसका होटल एग्जाम सर। साई प्रसाद होटल है क्या? साई प्रसाद, मेरे पास पूरे नाम नहीं है उसे, देख लेते हैं। डॉट इन है क्या? डॉट इसमें भी वो इस्तेमाल किया है, बट ठीक है, मैं आप लोगों को दूसरा कुछ दिखा दूंगा बाद में। तो उसमें क्या होता है कि वो अटैचमेंट जो है ये हमेशा दिखती तो बहुत बढ़िया से दिखता है, ये कंटिन्यूसली वही रहेगा। वाइडली यूज करते हैं पर्टिकुलर स्टैटिक वेबसाइट्स के लिए हम लोग ज्यादा, बट एप्लीकेशन में रेयरली यूज होता है, यानी कोई सॉफ्टवेयर में हम लोग नहीं इस्तेमाल करते उतना, बट पढ़ सकता है आपको, आपको दोनों पे भी काम करना है। तो ये था आपका बैकग्राउंड जो कि हम लोग मोस्टली यूज करते हैं। पोजीशन आप लोग थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेना, यूज कर लेना, आपके मेंटर आपको वो जो रियल टाइम एग्जांपल रहेगा वो दिखा देंगे कि किस तरह से वो स्टैटिक में डिस्कस करते हैं, उनके पास सब लोगों के पास वो लिंक्स रहेगी, तो उसके अकॉर्डिंगली शो भी कर देंगे। ठीक है, सो नाउ आज के सेशन में जैसे कि हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, सिलेक्टर्स, कितने टाइप्स के सिलेक्टर्स हैं हमारे पास? पांच क्या बिल्कुल सिंपल कॉम्बिनेटर, सिंपल कॉम्बिनेटर, सूडो क्लास, सूडो क्लास, सूडो एलिमेंट, सूडो एलिमेंट, एट्रिब्यूट, एट्रिब्यूट सिलेक्टर। ये तो हमने सिंपल जो सिलेक्टर है ये तो हमने कवर कर लिए, जैसे कि आईडी, क्लास, एलिमेंट और यूनिवर्सल, ग्रुपिंग वाले, ये जो है ना हम लोगों ने कवर कर लिए, इसका इस्तेमाल भी करना हमें सीख लिया। कॉम्बिनेटर में ये हम लोग बाद में करेंगे। अभी सुडो क्लास, सुडो वाले जितने भी होंगे, सुडो एलिमेंट या सुडो क्लास, ये जो है ये क्या करते हैं एग्जैक्टली? ये स्पेसिफिक सिनेरियो पे ही इम्प्लीमेंट होते हैं या स्पेसिफिक सिचुएशन पे ही ये इम्प्लीमेंट होते हैं, ऐसे नॉर्मली ये इम्प्लीमेंट नहीं होते। जैसे कि हमने वहां पे क्लास लिया और ऐड कर दिया तो वो इम्प्लीमेंट होगा, लेकिन नहीं, ये स्पेसिफिक एरिया या स्पेसिफिक एलिमेंट या स्पेसिफिक क्लास इम्प्लीमेंट करने के लिए होता है। जैसे कि अभी मैं आप लोगों को एक सिंपल सा एक एग्जाम्पल बता देता हूँ, जैसे कि माउस किसी चीज के ऊपर से लेके जाएंगे, जैसे कि कोई एलिमेंट के ऊपर से अगर हम लोग लेके जाएंगे तो उसे होवर इफेक्ट कहा जा सकता है। तो हम लोग वहां पे होवर जो है सुडो क्लास का जो दिया हुआ है, सुडो क्लास हमेशा इस तरह से लिखे जाते हैं सिंगल कोलन से। सुडो क्लास जो है हमेशा कैसे लिखे जाते हैं? सिंगल कोलन से लिखे जाते हैं, जिसके ऊपर जो भी एलिमेंट के ऊपर या जो भी आपका सिलेक्टर रहेगा उस पर अप्लाई करने के बाद आपको ये इस्तेमाल करना है। तो मैं आप लोगों को एक दिखा देता हूँ, जस्ट सिंपल, जैसे कि हम लोग एक नई फाइल बना लेंगे यहाँ पे और लिखेंगे sudo sudo class.html और सेम एक css की फाइल भी बना लेंगे ताकि आप लोग आराम से उसे समझ पाओ। इसे भी हम लोग एक जनरेट कर लेते हैं, H1 ले लेता हूँ, आप कुछ भी ले सकते हैं। हाय, वी आर गोइंग टू लर्न और इसे हम लोग रन कर लेते हैं, इसे लिंक कर देते हैं पहले, ये सब जो भी है उसका।
अभी मुझे क्या चाहिए कि मैं जैसे ही माउस यहाँ से होवर करूँ, ये जो इफेक्ट है तब कुछ तो होना चाहिए। जो भी चेंजेस चाहिए आपको, थोड़ा जूम चाहिए, कलर चेंज चाहिए, बैकग्राउंड चेंज चाहिए, आपकी जो चॉइस है आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कैसे इम्प्लीमेंट करोगे आप? ये जो एलिमेंट है इसे आप सबसे पहले नॉर्मल सिंपल सिलेक्टर से सिलेक्ट करेंगे। सिंपल सिलेक्टर या कोई भी दूसरा सिलेक्टर जो होगा उससे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर उसके ऊपर आप अप्लाई करोगे सुडो क्लास सिलेक्टर। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले, ये H1 एलिमेंट है इसलिए H1, और सुडो कैसे अप्लाई करते हैं, क्या यूज करते हैं बोलिए। सिंगल सिंगल कोलन से, कमांड और यहाँ पे मैं होवर इफेक्ट दे रहा हूँ। देखो मैं बैकग्राउंड कलर दे रहा हूँ यहाँ पे, लेट्स सी रेड, और टेक्स्ट का जो कलर है वो दे रहा हूँ मैं वाइट। साइज भी अगर आपको बढ़ानी है तो कैसे बढ़ाते हैं आप लोग बताइए, जैसे कि पिक्सल ज्यादा ही होगा पिक्सल साइज इनफ होगी। तो मैंने क्या कहा कि ये एलिमेंट है और उसपे जब भी होवर हो तब ये अप्लाई होना चाहिए। कब? पर्टिकुलर कंडीशन पे, जब होवर हो तभी, हमेशा नहीं। तो आप अभी जाइए आपके आउटपुट को देख लीजिए, आपने होवर किया मतलब उसके ऊपर जैसे ही जाओगे तो क्या हो रहा है आपका, तो रेड बैकग्राउंड आ रहा है, रेड बैकग्राउंड ये तो सुडो जो होते हैं, सुडो क्लास या सुडो एलिमेंट दोनों ही स्पेसिफिक सिनेरियो पे ही इंप्लीमेंट होते हैं, इसीलिए इसे सुडो सिलेक्टर्स कहा जाता है। देखो इसके बाद और भी क्लासेस है जैसे कि विजिटेड, लिंक, एक्टिव, ये भी आपके जो सिलेक्टर्स है ये उनमें से आते हैं। लेकिन ये जो है मैं आप लोगों को सिलेक्टर भी लिख के दे देता हूँ और नोट्स भी पढ़ा देता हूँ, जो नोट्स है वो भी दिखा देता हूँ, तो नोट्स में भी ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर किसी ने ओपन करके देखा है तो बता पाएंगे मुझे कि कौन से सुडो सिलेक्टर है, अगर आपने पढ़ा रहेगा तो। नहीं तो ठीक है कोई बात नहीं, अभी हम लोग पढ़ेंगे वो भी, आपको दो बार पढ़ना ही है। ये है कौन सा है, पहला लिंक लिंक है, एक्टिव है, विजिटेड है और होवर है। होवर तो अभी और आपके सामने हमने किया है। ये विजिटेड, एक्टिव और लिंक तीनों भी एंकर टैग पे इस्तेमाल होने वाले हैं, यानी ए टैग के ऊपर इस्तेमाल होने वाले होते हैं। तो मुझे यहाँ पे ए टैग की जरूरत है इसलिए मैं ए टैग जो है यहाँ पे ले लूंगा, ए। आप कुछ भी यहाँ पे लिंक कर सकते हो, मैंने अपना हैश सेल्फ लिंक कर दिया है यहाँ पे, जैसे कि सिंपल HTML। HTML और तीसरा जो है मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, तीसरा भी एंकर टैग courses.html। अभी इनका कुछ तो कलर है आप लोगों को, क्या कलर दिखाई दे रहा है इसका आपको? शुरुआत में लिंक है तो पर्पल पर्पल बाय डिफॉल्ट, ठीक है। तो मैं यहाँ पे ये बोल देता हूँ इनको कि जब भी कोई लिंक हो अवेलेबल, जैसे कि ए एंकर टैग हो और उसकी जो लिंक है इस तरह से, तो उसका जो कलर है वो कर देते हैं ग्रीन, और बैकग्राउंड कलर जो है वो कर देते हैं ग्रे, ऐसे। तो क्या आप लोगों को कैसे दिख रहा है ये, क्या बैकग्राउंड कलर आया है इसका? और यस इसका इसका जो कलर है दूसरा वाला जो ग्रीन नहीं हुआ, इसका रीजन ये है कि उसकी जो स्टाइलिंग है हमने वो निकाली नहीं है, डेकोरेशन निकालना होता है उसका, इसलिए वो नहीं दिखा रहा है, ठीक है। लेकिन बैकग्राउंड कलर तो वो फिल कर लिया इसमें। अभी अगर मैंने यहाँ पे
विजिटेड किया यानी क्या कि उसके पहले बार मैंने कभी तो क्लिक किया रहेगा या मैं इसे विजिट कर रहा हूँ ऑलरेडी, तो ये विजिटेड वाला रहेगा। इसका बैकग्राउंड कलर जो है चेंज करके देख लेते हैं हम, इसका बैकग्राउंड करते हैं इसको ऑरेंज, चेंज हो गया क्योंकि हमने इसे विजिट कर लिया है ऑलरेडी। ये हमारे ब्राउजर पे पहले से हमने इसे इस्तेमाल किया हुआ है, ये पेज पे आ चुके हैं। आप जब गूगल पे सर्च करते हो ना किसी भी चीज को, जैसे कि कंप्यूटर, देखो ये पर्पल कलर और ये ब्लैक में क्यों दिखाई दे रहा है लिंक, क्या आप बता सकते हो क्यों? ये जो है इसका मतलब है कि मैंने ये जो पर्पल कलर्स होते हैं इसका मीनिंग होता है कि पहले भी हमने कभी इसे सर्च किया हुआ है और इस्तेमाल किया हुआ। ब्लैक का मतलब होता है कि हम लोग फर्स्ट टाइम इसे विजिट करेंगे अब, ठीक है ऐसे। जैसे ही फिर हम लोग कभी नेक्स्ट टाइम पे जब कुछ दिनों बाद या ऐसे ढूंढने की कोशिश करेंगे इस तरह से आपको दिखाई देगा, मतलब वो ये कलर में आ जाता है। तो ये कैसे हम लोग हैंडल करते हैं या ये लोग कैसे हैंडल करते हैं, तो ये यही चीज से, यही सुडो क्लासेस जो होते हैं इसका इस्तेमाल किया जाता है कि ये विजिटेड है तो ये होगा, अगर ये फर्स्ट टाइम कोई यूजर आ रहा है तो ये कलर होगा, अगर ऑलरेडी विजिट है पर्टिकुलर यूजर को तो ये दिखाई देगा, अगर वो क्लिक कर रहा है यानी कि एक्टिव है एज ऑफ नाउ इस पे अगर क्लिक कर रहा है तो ये कलर हम लोग दे देते हैं बैकग्राउंड कलर, लेट्स सी ब्लू वायलेट दे देते हैं। एक्टिव मतलब हम लोग क्लिक कर रहे हैं उसको, क्या हुआ अभी मैंने क्लिक करके रख दिया यार, कौन सा कलर चेंज हुआ? बैकग्राउंड एंड टेक्स्ट। मैंने कौन सा दिया था? एक्टिव मतलब जब मैं क्लिक करने जाऊंगा तो कौन सा कलर होना चाहिए? ब्लू वायलेट। अभी मैं, आप बोलो कौन सा कलर दूं ताकि आप लोगों को समझ में आ जाए। एक्वा। एक्वा दिया। मैं यहाँ पे अभी क्लिक करने जा रहा हूँ, कौन सा दिख रहा है? एक्वा कलर। और होवर करने के लिए तो आपको पता ही है कि अगर मैं इसे होवर भी लगा सकता हूँ, होवर कब होता है जब उसके ऊपर से माउस में रोल करता हूँ तब। बैकग्राउंड कलर कौन सा दूं होवर के लिए बोलिए? ब्राउन। क्या हो रहा है? होवर पे कलर चेंज हो रहा है बैकग्राउंड, मतलब कि ये पर्टिकुलर सिनेरियो पे ही चेंज होगी, जैसे कि होवर है तो होवर होगा, जब एक्टिव करेंगे तो एक्टिव, विजिटेड है तो विजिट के टाइम पे, अगर स्पेसिफिकली लिंक है तो लिंक, इस तरह से ये काम करेगा स्पेसिफिक सिनेरियो पे, इसीलिए इसे सुडो क्लासेस जो है सिलेक्टर कहा जाता है, ये क्लासेस है बेसिकली, इसलिए इसे क्लास कहा जाता है। एलिमेंट भी है बट वो नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे, या आप लोग कंफर्टेबल हो तो यही सेशन में डिस्कस करेंगे।